तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि दुनिया पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का खुमार किस तरह से चढ़ चुका है। साथ ही तस्वीरें क्रिकेट वर्ल्ड कप के फैंस के जुनून की तस्दीक दे रही हैं और दुनिया अब क्रिकेट वर्ल्ड कप के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। 12वें ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का आगाज हो चुका है। इसका आगाज एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुआ। और ये भव्य आयोजन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ और इस सेरेमनी में खास बात ये रही कि ये किसी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं बल्कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठित लंदन मॉल में आयोजित की गई, जो ठीक बंकिंगम पैलेस के करीब है। इस भव्य समारोह में सभी 10 क्रिकेट टीमों के कप्तान मौजूद रहे। इस ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत में सबसे पहले सभी टीमों के कप्तान को एक साथ स्टेज पर बुलाया गया, फिर सभी टीमों के कप्तानों ने विश्व कप को लेकर अपनी राय रखी। इस समारोह में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सर विवियन रिचर्ड्स भी शामिल हुए। It is indeed. I mean, it's lovely to be here. We have such a huge fan base in England, and the amount of people traveling from home as well. It's great to see every stadium that we play at least 50% of the people are Indian fans, and for us that's a thing of pressure, but a thing of pride as well. And hopefully we're going to use that crowd advantage for us in this tournament. But yeah. वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहला मौका है जब इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में नहीं किया गया। इस कार्यक्रम में इंग्लैंड के राज परिवार के सदस्य और महारानी क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल हुई। साथ ही महारानी ने सभी 10 टीमों के कप्तानों के साथ मुलाकात भी की और ग्रुप में फोटो भी खिंचवाई। महारानी एलिजाबेथ से मिलकर खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए। इंग्लैंड में 12वें ICC विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी भी यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दें कि इस बार विश्व कप में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस बार टीमों को किसी पूल में नहीं बांटा गया है। प्रत्येक टीम हर टीम से मुकाबला करेगी, वहीं सभी देश अपनी अपनी टीमों को जिताने के लिए अपने झंडे के साथ टीम में उत्साह भरेंगे।